हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी नो सर्जन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे स्नोरिंग प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। यस दोस्तों, बच्चों में भी स्नोरिंग होता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक ऐसे वंडरफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं स्नोरिंग इन चिल्ड्रन। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, यस, लेकिन जिनके बच्चों को स्नोरिंग है, माउथ ब्रीदिंग है, उनसे पूछिए, रियली उनको प्रॉब्लम होती है एंड उसके कारण बच्चों को जो है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं दोस्तों कि यूजुअली जब बच्चा सोता है, जो 4 या 5 साल का जो हमारा बच्चा है, जब हमारा स्लीपिंग कंडीशन में होता है, यूजुअली हमें नोज से ब्रीदिंग होती है, माउथ ब्रीदिंग नहीं होती है। अगर किसी बच्चे को माउथ ब्रीदिंग है और वो घर घर इस टाइप में आवाज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो इसलिए हमें डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए और डॉक्टर देखने के बाद जो ऐसी प्रॉब्लम है, उसका मोस्ट कॉमन कारण होती है नोज के पीछे के हिस्से में एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी। हाँ दोस्तों, नोज का जो पीछे का हिस्सा होता है, जिसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वो हमारा गले से जुड़ा हुआ होता है। नोज से हम ब्रीदिंग करते हैं, ये एक नॉर्मल सिस्टम होता है। लेकिन नाक के पीछे के हिस्से में जो एडिनोइड जो टिश्यू होता है, वो उस सांस के रास्ते को सोने के बाद अवरुद्ध कर लेता है। एडिनोइड्स क्या होता है? जैसे हमारे टॉन्सिल होते हैं, वैसे ही एक टिश्यू होता है। तो टॉन्सिल और एडिनोइड बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। बट 3 या 4 साल बाद बॉडी में वो, जैसे हमारा अपेंडिक्स है, वैसे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं और गॉड ने एक सिस्टम बनाया, वो अपने आप एट्रोफी होके ख़त्म हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों में जिनके ख़त्म नहीं होते, तो बच्चा जब रात को सोता है तो ग्रेविटी के कारण वो नाक के पीछे के हिस्से में जस्ट लाइक ए डखन उस नोज के पीछे के हिस्से को ब्लॉक कर लेते हैं। क्योंकि गॉड ने जो हमारा बॉडी बनाया है, बड़ा सोच समझ के बनाया है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया हो तो एक दूसरा रास्ता और है ब्रीदिंग का, वो मुंह से सांस आता है। हमारे को सांस तो आ गया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मुंह से सांस लेने में और नोज से सांस लेने में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जब हम नोज से सांस लेते हैं, तो हमारा जो नोज है, ये जो हमारी चीक की बोन है, हमारी ये बोन है, इसमें एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसे स्पेस होता है, दैट वी कॉल द साइनस सिस्टम। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो वो एयर पूरी साइनस में जाती है, वहाँ एयर का फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ एयर का प्यूरिफिकेशन होता है और वो साफ़ सुथरी जो एयर है, वो हमारे सांस की नली में जाती है। अब चूंकि हमें नाक का जो है वो रास्ता तो बंद हो गया, तो वो जो एयर है वो बिना फिल्टर हुए जो है हमारे थ्रोट में जाती है, उसका ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो रहा, तो बच्चे का बार बार गला सूखता है और वो जो एयर फिल्टर नहीं है, उसके कारण बार बार टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको तो टॉन्सिल भी रहते हैं। अमूमन OPD में पेशेंट आता है कि सर, इसको तो टॉन्सिल भी रहते हैं, तो उसका वही एक रीज़न है। जब प्राय ऐसी जो प्रॉब्लम बच्चे में होती है, तो सबसे पहले उसकी एज देखी जाती है। अगर 1.5 साल पे 2 साल पे है, तो वी कैन वेट टिल द एज ऑफ द 4 ईयर। 4 साल तक वेट करते हैं, कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, खान पान का ध्यान रखना होता है, फ्रिज की ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम्स, ये कोल्ड चीज़ें बच्चे को कम से कम दी जाती हैं। लेकिन अगर दोस्तों 4 साल बाद भी ये प्रॉब्लम है, तो हमारे बच्चे के शरीर पे वो बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक तो उसको बार बार इन्फेक्शन होने से बच्चे का सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं होता, वो दुबला पतला बच्चा रहता है। कंटिन्यू माउथ ब्रीदिंग करने से हमारे डेंटल स्ट्रक्चर बच्चे की चेंज हो जाती है, दांत बाहर आ जाते हैं। बहुत बार हम क्या है, डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ब्रासेज लगवाते हैं, बट उसका रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होता, जब तक वो भी कामयाब नहीं होता है। एंड इसके बाद के अंदर बहुत बार जो हमारा कान और नाक के बीच की नली है, यूस्टेकियन ट्यूब, ये जो एडिनोइड का मास है, उसको भी ब्लॉक करके रखता है। बच्चों को जुकाम लगती है, कान में दर्द हो जाता है, और बहुत सारे, जैसे आपने गाँव में देखा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो बच्चों के कान बहने लग जाते हैं, और जब कान बहता है तो पर्दे में छेद हो जाता है, उसको सुनाई कम देता है, उसको उसके कैरियर में प्रॉब्लम आती है, बाद के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस में कहीं जाना होता है। तो ये जो है, बच्चे को कंटिन्यू लंबे समय तक चलता रहता है, तो उसकी फेस की स्ट्रक्चर भी इलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ है, क्योंकि नाक से सांस नहीं आता, तो नाक उसका पिचक जाता है, क्योंकि नोज वर्क नहीं है, बॉडी में कोई भी चीज़ का जब वर्क नहीं हो रहा, तो वो एट्रोफिक हो जाती है। ये सारी समस्याएं हैं बच्चों में स्नोरिंग के कारण। तो
तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो तुरंत हमें सजग हो जाना चाहिए और उसका मैनेजमेंट कराना चाहिए। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, एक लेजर से एडिनो टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी होती है जिसमें बाहर से कहीं चीर फाड़ टाँका पट्टी दर्द निशान नहीं होता। करीब 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी होती है एंड उसके बाद में जो है वो 8 से 10 घंटे बाद बच्चे को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है एंड छुट्टी के बाद बच्चा नॉर्मल 2 या 3 दिन के अंदर जो है नॉर्मल एक्टिविटी सब कुछ कर सकता है, स्कूल भी जा सकता है एंड पहले उसको कोई लिक्विड वगैरह लेना होता है। एंड ये सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया में की जाती है, इसके कारण जो है हमें दर्द या निशान या पेन नहीं होता। दोस्तों जैसे ही किसी बच्चे पे सर्जरी के लिए सुझाव दिया जाता है पेरेंट्स के कान खड़े हो जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा नहीं लगता। दे ट्राई टू फाइंड ए कंजर्वेटिव डॉक्टर कि कोई डॉक्टर मेरे को बिना ऑपरेशन इलाज कर दे। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर सर्जरी की ज़रूरत है और उसको अगर निकालने की ज़रूरत है तो हमें तुरंत जो है वो उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो अच्छे एनास्थीशिया का सिस्टम, एडवांस सिस्टम, गुड इंस्ट्रूमेंट सब चीज़ें अवेलेबल हैं। क्योंकि ये आप अगर नहीं करा रहे हो तो हमें जो है हमारे बच्चे को ये लॉन्ग लाइफ में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, जिससे हम बाद में इलाज करा के भी वो रिजल्ट नहीं आता। यस, जहाँ पे हम इलाज करा रहे हैं वहाँ पे ये हमें पता लगाना चाहिए कि जो है वो बेस्ट से बेस्ट सिस्टम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता। एंडोस्कोप है, दूरबीन है, माइक्रोडेब्राइडर है, लेजर है, ये सारी सिस्टम्स अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पे हम सर्जरी करा रहे हैं, जिससे हमें एक सेफ हैंड में हमारा जो है वो बच्चा हो और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ सके। सो दोस्तों जैसा आपने जाना कि ये जो स्नोरिंग प्रॉब्लम है चिल्ड्रन के अंदर वो कितनी जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एंड डेफिनेटली जिस चीज़ का ट्रीटमेंट है उस चीज़ के लिए अपन बच्चे को जो है वो स्लीपिंग साइकिल नहीं हो रहा, वो पूरी रात भर सो नहीं पा रहा, दिन को स्कूल में जाता है तो उसको नींद नहीं आ रही, उसको लैप ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, उसको मेमोरी नहीं बन पा रही, उसके कान में बार बार दर्द हो रहा है, उसकी डेंटल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है एक प्रॉब्लम के कारण। सो अगर आपको या आपकी फैमिली में या रिलेटिव में या कलीग्स में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, स्नोरिंग है, माउथ ब्रीदिंग है, डेफिनेटली उसको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेजर से एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी होती है जिससे आने वाले दुष्परिणाम से बच्चा बच सके। सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्नोरिंग और माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रन। एंड रिगार्डिंग दिस आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, डेफिनेटली यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।